हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आई एम मिस अनुपमा रानी सिंह फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ अरिहंत आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस जूनियर कॉलेज बावधन पुणे। आई एम हियर टू टीच टॉपिक्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। दीज डेज आई एम टीचिंग टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फिनेंस। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन टुडेज सेशन। In today's session, I will be explaining you about retained earnings and determinants of retained earnings. Retained earnings are also called as reserves. So let's start with retained earnings. Let's see the introduction part. Business organizations are subject to variation in earnings. Now it is obvious that every year business organizations earn in variations, means every year profit will not be the same, it will be changed from every year. Har saal company ka profit alag alag rehta hai, so there are variations. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीज़न समझा जाता है जब कोई कंपनी या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा साइड में संभाल कर रखती है। सो अ कंपनी हैज़ टू कीप असाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट सेज अ प्रूडेंट कंपनी डजंट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्नड अमंग शेयर होल्डर्स। अ कंपनी विच इज़ प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स अ कंपनी हु हैज़ फोरसाइट, जो दूर का देख के चलते हैं, फ्यूचर का सोच कर चलते हैं। सो ऐसी कंपनियाँ अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती हैं, बल्कि वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा साइड में थोड़ा रिजर्व करके रखती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने पास रिजर्व के रूप में रिटेन करके रखती है। रिटेन करना मतलब संभाल कर रखना, अपने पास रखना, विच इज़ टू बी केप्ट मीन्स रिटेन करना। दीज रिजर्व्स आर द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जो रिजर्व बनाए हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। द सम टोटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी एवरी ईयर कलेक्ट करती जाती है, तब जाकर वो रिजर्व के रूप में जमा हो पाता है। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रैदर दैन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। कंपनी ने जो इतने सालों से प्रॉफिट को जमा करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है, दैट प्रॉफिट इज़ अगेन री इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस। कंपनी उस प्रॉफिट को फिर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, सो दैट कंपनी कैन मेक सम मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी कैन एक्सपैंड इट्स बिजनेस। सो फॉर सो मेनी पर्पजेज कंपनी यूज दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड री इन्वेस्ट इन द बिजनेस अगेन एंड अगेन। लेकिन कंपनी डिविडेंड के रूप में उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। सो इट्स अ वाइज डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज दैट दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर अमाउंट टू देयर शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बल्कि वो लोग अपना कुछ हिस्सा अपने पास अपनी ज़रूरतों के लिए संभाल के रखते हैं। दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड एज रिजर्व फंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, वॉट दे आर। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉरपोरेट प्रॉफिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ इट इज क्लियरली मैंशनड इन द पॉइंट दैट द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग प्रॉफिट और द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट एंड अगेन री इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस और री यूजिंग इट इन द बिजनेस और फॉर बिजनेस पर्पजेज इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट को अपने पास संभाल कर रखते जाना और उस प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में बिजनेस के कामों के लिए लगाना इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। अर्निंग्स मतलब इनकम, और जिसको रिटेन करके रखा है, अपने पास संभाल कर रखा है।
In simple words, a part of net profit which is not distributed to shareholders as dividend is retained by the company in the form of reserve fund. हमको simple words में बताया है कि कंपनी अपने profit का वो हिस्सा जो dividend के रूप में shareholders को नहीं दे रही है, तो कंपनी उस हिस्से को अपने पास रिजर्व फंड के रूप में रिटेन करके रखती है, संभाल के रखती है. दैट इज़ कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स. सो प्रॉफिट के हिस्से को अपने पास संभाल कर रखना और हर साल उस रिजर्व को एक्यूमुलेट करते जाना, कलेक्ट करते जाना, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसीज बिजनेस कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर रिजर्व. Company converts its reserves into bonus share capital and capitalize its profit. Company अपने उस particular reserve को bonus share capital में convert कर देती है. इसका मतलब company उसको bonus share के रूप में अपने shareholders में फिर से distribute कर देती है. Company again distributes that particular reserve in the form of bonus shares to its equity shareholders and capitalize its profit. और फिर से उसी से और पैसा बनाती है, शेयर्स बेचकर कंपनी फिर से पैसा बनाती है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. दिस कैपिटलाइजेशन बाय द इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज़ नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और सेल्फ फाइनेंसिंग. इस पर्टिकुलर मेथड को जिसमें कंपनी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रही है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स देकर कंपनी फिर से अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करती है. दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मीन्स री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट अगेन इन द बिजनेस और सेल्फ फाइनेंसिंग. बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. We have already studied about these bonus shares in the previous slides, that these shares are given to only existing equity shareholders and these shares are given as a gift and free of cost. इनमें कोई extra charges नहीं लगाए जाते हैं. Company bonus shares अपने equity shareholders को देती है. The management can convert retained earnings into permanent share capital by issuing bonus share. अगर management चाहे, अगर company चाहे, तो अपने उस पर्टिकुलर रिटेन्ड अर्निंग को परमानेंट शेयर कैपिटल के रूप में भी अपने पास रख सकती है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिटेन्ड अर्निंग्स के जरिए कंपनी अपना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कलेक्ट करती है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बढ़ाती है. सो रिटेन्ड अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी. इट इज़ द सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस. सो अपने पैसे को रेज करना, अपने पैसे को और बढ़ाना, उसका सबसे सिंपल मेथड है रिटेन्ड अर्निंग्स. तो जब भी आपको प्रॉफिट होता है, जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स. इट इज़ यूज बाय द एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. नाउ अगेन दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट रिटेन्ड अर्निंग्स का कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़. इसका मतलब जो कंपनीज ऑलरेडी सेटल्ड हो चुकी हैं, जिनका नाम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, या फिर द कंपनीज विच आर अर्निंग हैंडसम प्रॉफिट और गुड प्रॉफिट, केवल वही कंपनीज़ रिटेन्ड अर्निंग्स का कंसेप्ट यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है. एक नई नई फॉर्म हुई कंपनी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मार्केट में नाम नहीं है, उसके शेयर्स नहीं हैं, लोग उसको पहचानते नहीं, तो कंपनी का प्रॉफिट होने के चांसेस कम है. सो कंपनी कांट कीप असाइड एनी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व बिकॉज अ कंपनी इज़ न्यू. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिटेन्ड अर्निंग्स इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग. सो दिस वॉज अबाउट meaning of retained earnings, or you can say reserve fund. Now let's see the important point, determinants of internal financing or retained earnings. Now determinants means what? Determinants means the factors which affect reserve fund. ये वो factors हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी company को अपने reserve funds तैयार करने होते हैं. अगर कंपनी ने इन फैक्टर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कंपनी अपने रिजर्व्स क्रिएट नहीं कर पाएगी.
So for that case, these determinants are very important. Now let's see which are the determinants. The first one is total earning of the enterprise. किसी भी enterprise या किसी भी company के earnings बहुत ज़रूरी हैं and वही decide करते हैं कि what should be the reserve for a particular year. So total earnings is very important to make any reserve fund. Second factor is taxation policy of the government. Now this is again a very important thing that government की taxation policy भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना आप tax pay करते हो उसके हिसाब से ही आप reserve कर पाओगे. अगर आप ज़्यादा amount का tax pay कर रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा reserve के रूप में जमा नहीं कर सकते हो. So this policy is again important. This is one of the factor. Then third one is dividend policy. Now as we all know, dividend is given to the shareholders. So dividend policy भी बहुत important है, which affect internal financing. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं या कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है कि dividend ना दे. अगर कंपनी dividend नहीं देगी तो shareholders अपना पैसा कंपनी से निकाल लेंगे and company will suffer loss. So in such a case, कंपनी को डिविडेंड के बारे में भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपनी रिजर्व पॉलिसी के बारे में भी ध्यान रखना है. सो दिस पॉइंट आल्सो अफेक्ट रिजर्व पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू सम एक्सटेंट. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गवर्नमेंट एटीट्यूड एंड कंट्रोल. एवरी कंपनी इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट. हर कंपनी पर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रेगुलेशन कंट्रोल बना हुआ है. So that is also important, which affect internal financing of any company. Now let's discuss in detail what's there exactly. The first determinants of retained earnings, the first factor which affect retained earnings are the total earnings of company. Company ka kul milakar jitni income ya jitna profit hota hai, us par decide hoga ki company kitna reserve karegi. The first point says if there is ample profit, company can save and retain some part of profits. Now it is clearly mentioned, agar company ko profit achha khasa hota hai, if company has sufficient profit, to obviously company can save and keep aside some part of profits easily. Agar company zyada profit kamati hai, to zyada hissa apne paas reserve karke rakh sakti hai. More the earnings, a company can save more. जितना ज़्यादा earnings, जितनी ज़्यादा income, उतनी ज़्यादा savings. Attitude of top management also determines the amount of retained earnings. इसके साथ साथ सबसे important है top management का attitude. वो भी बहुत ज़रूरी है to decide the amount of retained earnings. The second determinant is taxation policy. Now every government impose some kind of tax everywhere in the world. दुनिया में हर जगह वहाँ की सरकार, वहाँ की government tax लगाती है. So this is again an important factor. The taxation policy of government is an important determinant of corporate saving. किसी भी company के savings पर सबसे important चीज़ होती है उस government के taxation policy. Taxation की नीतियाँ क्या हैं, what are the rules for tax. If the taxes levied are at high rates, company cannot save much of the profits in the form of reserves. अगर किसी government ने या किसी particular state की government ने ज़्यादा taxes लगाए हैं तो वो company ज़्यादा saving नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो tax में निकल जाएगा. So tax policies again very important. Tax के हिसाब से ही आप savings कर सकते हो या फिर reserve fund create कर सकते हो. The third determinants of retained earning is dividend policy. Dividend is given to the shareholders. We all know this. It is a policy of board of directors in regards to distribution of profits. Company kitna distribution karegi profit mein, kitna apne shareholders ko degi in the form of dividend, that will be decided by the board of directors. A conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit. अगर किसी भी कंपनी में आप चाहते हो कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टेड हो, तो वहाँ की डिविडेंड पॉलिसी आपको कंजर्वेटिव करनी पड़ेगी. इसका मतलब यू हैव टू सेव मोर ऑफ डिविडेंड रादर दैन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द शेयर होल्डर्स. तो आपको ज़्यादा सेविंग्स करनी पड़ेगी और आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम दोगे. दैट इज़ कॉल्ड एज कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी.
लेकिन अगर आपने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो इट विल श्योरली अफेक्ट्स योर शेयर होल्डर्स बिकॉज दे विल गेट डिविडेंड एट लोअर रेट. अगर आप सारा का सारा पैसा बचा कर रख रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड एंड नॉट गिविंग एनीथिंग टू योर शेयर होल्डर्स या फिर यू आर गिविंग लेसर अमाउंट, तब शेयर होल्डर्स पर उसका असर पड़ेगा क्योंकि उनको पैसा कम मिल रहा है. ऑल्सो दे विल गेट डिविडेंड एट लोअर रेट. सो डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने शेयर होल्डर्स को भी नहीं खोना है, साथ साथ अपने रिजर्व को भी बचा के रखना है. सो यू शुड मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज डिविडेंड और शेयर होल्डर्स एज वेल एज द रिटेन्ड अर्निंग्स. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी. अ गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री. किसी भी देश में कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी तैयार की गई, दैट इज़ अ गवर्नमेंट. सभी की सरकारें सभी पर कंट्रोल करती हैं. आप कोई भी काम करते हो तो उस पर कोई ना कोई एज अ वॉच डॉग उस पर निगरानी रखता है. वैसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली हमारी गवर्नमेंट है, विच एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इट्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंश्योर्स दैट द कंपनीज वर्क एज पर इट्स रेगुलेशंस. गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स जो भी रेगुलेशंस क्रिएट किए हैं, व्हाटएवर द पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर क्रिएटेड और फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, अ कंपनी हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंगली. कंपनी को उन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करके खुद फंक्शन करना ज़रूरी है. अदरवाइज कंपनीज आपको बैन भी कर सकती है, अदरवाइज आपके ऊपर ज़्यादा पेनल्टीज भी लगा सकती है. द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कंपनी हैज़ टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय द गवर्नमेंट. साथ साथ आपको अपने गवर्नमेंट अपने कंपनी में जो आप डिविडेंड पॉलिसी तैयार करोगे, वो डिविडेंड पॉलिसी भी वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके करने हैं जो गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं. सो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर यू. And as per those rules, you have to formulate your dividend policy and so many other policies. So this was all about in today's session. Till then, take care, stay safe and healthy, and thank you so much.